सुबह के 4:30 बज चुके हैं बिल्ली मौसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बज रहा है सुबह के 4:30, मुझे तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है। तो सबसे पहले वजू कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तहज्जुद की नमाज़ ऐसे आम दिन में पढ़ना अभी मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। खैर, वक्त बहुत कम है, जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। वक्त काफ़ी कम था और मुझे तहज्जुद के साथ साथ उसके बाद फजर की नमाज़ अदा करनी थी, तो मैंने जल्दी से तहज्जुद पढ़ी। फिर फजर का टाइम भी हो गया तो मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद बहुत तेज़ नींद आ रही थी, फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरी सुबह इस ड्रिंक के साथ होती है। ये ड्रिंक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है जब मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और इसका मैंने कंटिन्यू 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो इसलिए मैं सबसे पहले सुबह उठकर यही पीती हूँ, फिर उसके बाद ब्रश वगैरह चाय वगैरह पीती हूँ। तो मैंने पी पा लिया, फिर उसके बाद जल्दी से मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम अभी बाकी है और उठने में मुझे देर हो गई है। आपकी मॉर्निंग भी किसी ड्रिंक के साथ होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस पर्पज़ से उसे पीते हो तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं भी उसका इस्तेमाल कर सकूँ। और जल्दी से मैंने चाय वगैरह पी ली। फिर इधर आज हमने ऑस्कर के साथ एक प्रैंक कर दिया है। ऑस्कर एकदम गुस्सा आ गई है, खिसी आ गई है, मारपीट उतारू आ गई है। आज हमने इसका पहली बार ऐसा रूप देखा है। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया क्योंकि अभी आगे बहुत सारे काम थे, और उसके बाद आज मुझे अपनी अलमारी सेट करनी थी। अलमारी में सारे कपड़े उथल पुथल हो गए थे तो जल्दी से मैंने सारी बाहर खाली करके सब कुछ सेट करके ऑल सेट कर दिया, क्योंकि बड़ी ही दिक्कत होती है जब आपकी अलमारी अगर आपकी ख़राब हो जाए, वो सेट ना रहे। तो मैंने सारे कपड़े अलग करके जो प्रेस करने उन्हें प्रेस करने के लिए निकाल लिया, जो ठीक थे उन्हें साइड कर दिया, और साइड करके सब बाहर निकल के रख दिया। फिर ऑस्कर प्रैंक की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई थी, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। अलमारी वाला काम निपटाने के बाद फिर मैंने जल्दी से दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया था। क्या ही ज़िंदगी है, सुबह उठो, काम करो, खाओ, फिर काम करो, फिर सो जाओ, फिर उठो। खाना ही बना रही थी दोपहर का, फिर मेरे पापा ने बोला कि जल्दी से कॉफ़ी बना, तो चलो कॉफ़ी पीते। तो फिर मैंने सबके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। आप बताओ क्या आपके घर में भी ऐसे ही कॉफ़ी लवर्स हैं जो दिन भर में 4 बार आपको कॉफ़ी बनाने के लिए अप्रोच करते रहते हैं? तो मेरे घर में तो है, तो मुझे बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं कॉफ़ी रेडी कर रही हूँ। तो हम 4 लोग हैं तो फ़िलहाल 4 लोगों के लिए कॉफ़ी रेडी हो ही गई है बिल्कुल। मैं सर्व करके सबसे पहले ले जाके फिर अपनी बहन को दे देती हूँ, वो बैठ के कोरियन मूवी इंजॉय कर रही है। पता नहीं क्या कोरियन मूवीज़ में इतना अलग टाइप का भाई, जिसको देखो सब पागल हुए पड़े, तो वो भी आजकल पागल हो रही है, तो वो भी कोरियन सीरीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा देखती है, अभी भी देखो वही देख रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आज वक्त है तो थोड़ा सा फ्लैक्स सीड अपना बॉयल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि मुझे अपने बालों के लिए हेयर पैक बनाना था। काफ़ी टाइम से मैंने कोई हेयर पैक यूज़ नहीं किया था, और आज दोपहर में बनना था सब्जी चावल। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी सब्जी वाली रेसिपी शेयर करूंगी। तो हमारी सब्जी में ये बैंगन होगा, ज़ीरा, काली मिर्च, सरसों, और हमें मेथी की भी ज़रूरत है, बट मेथी मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल में। तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी और ये सब है, बस मेथी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम आज बिना मेथी के ही कर लेंगे। तो आज मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया, फिर उसमें मैंने डाल दिया है हींग, और हींग और 2 साबुत लाल मिर्च, और उसके बाद ये थोड़ा सा तड़कने लगे तो उसके बाद हम इसमें मसाले मिक्स कर देंगे। मसाला मैंने अभी दिखाया था आपको, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च, और उसके बाद ज़ीरा, काली मिर्च, सरसों, इन सबको मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद पीसे मसाले में हमें हरा धनिया और हल्दी मिक्स करना है, और उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें हल्का सा स्पाइसी चाहिए होगा तो हम उसी हिसाब से लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद हम इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब फिलहाल हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये मसाला भून रहा है तो आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ दोपहर में सब्जी चावल बनती है तो आप लोग क्या क्या उसमें वेजिटेबल्स मिक्स करके सब्जी चावल बनाते हैं? इसमें तो बहुत सारी टाइप की वेजिटेबल्स मिक्स हो सकती हैं। तो फ़िलहाल अभी सिर्फ बैंगन और ये सोवा वगैरह अवेलेबल था तो वो हम करेंगे। और ये मेरा हेयर मास्क हो चुका है तैयार, जब से सब्जी का मसाला भून रहा है तब से हम इसे अप्लाई कर लेते हैं अपने बालों में बिना भी देरी किए हुए, क्योंकि बालों का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप बताओ आप अपने बालों में हेयर मास्क कौन कौन से दिन पे लगाते हो?
तो जल्दी जल्दी मैं इसको लगा लूँ क्योंकि सब्ज़ी भी देखना है मुझे। तो सब्ज़ी का मसाला भून चुका है, इसमें हम जल्दी से बैंगन डाल देंगे ताकि बैंगन अच्छे से पक जाए, और उसके बाद हम इसमें सोया भी ऐड कर देंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएँ और दोनों का टेस्ट आ जाए सब्ज़ी में। तो हम इसे सब कुछ इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने आपको मसाला भुनने के बाद उसका कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया कि वो भुनने के बाद कैसा दिख रहा था, क्योंकि मैं हेयर पैक लगा रही थी और जल्दी जल्दी मैं भूल गई। फिर उसके बाद मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी थी, ये भी मैं आपको दिखाना ही भूल गई। मैंने टमाटर आलू वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे इसको हल्का सा भूनने के बाद। उसमें हम थोड़ा सा ग्रेवी लगा देंगे। और इधर लग रहा है पोछा, मतलब साफ़ सफाई हो रही है घर की, तो मेरी बहन कर रही है। और ये देखो हेयर पैक लगाने के बाद मेरा हाल, ये इधर से उधर से गिरा पड़ा जा रहा चुआ जा रहा, जो कि मैंने इतना थिक पेस्ट बनाया था उसके बावजूद ये गिरा पड़ा चला जा रहा है। और अब टाइम हो चुका था नहाने का, तो मेरे पास कोई आयरन कपड़े नहीं थे। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मैंने अपनी अलमारी अपनी सही की है, सब उथल पुथल हो गई थी, तो एक भी कपड़ा मुझे प्रेस किया हुआ नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने जल्दी से एक कुर्ता लिया और उसको जल्दी से अब प्रेस लगा लिया ताकि जल्दी से मैं इस हेयर पैक को धो सकूँ, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था गिरा जा रहा था इस कोने से उस कोने से। और मैं जल्दी से नहा लिया मैंने। फिर उसके बाद नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो मैंने जोहर की नमाज़ अदा करनी थी मुझे। बिना वक्त देरी ना किए हुए मैं जल्दी से जोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 3 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तस्बीह पढ़ी और बहुत सारी दुआएं मांगी। इस चीज़ में बहुत अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन होता है, आप भी ट्राई करके देखना जब आप पूरी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले। तो क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी तो घर वाले सभी ने खाना खा लिया था। और ये है मेरी बनाई हुई सब्ज़ी जो मेरे लिए बची हुई है, क्योंकि बाकी सब ने खा लिया था तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगी, तो चलो जल्दी से खा लेते और देखते हैं कि आखिर ये सब्ज़ी बनी ही कैसी है। और चलो जल्दी से, मैंने अपना फेवरेट मूवी लगा लिया है टीवी पे, और सब्ज़ी तो है भाई एक नंबर बनी हुई है, मज़ा आ गया। नमक वगैरह स्पाइस वगैरह सब एकदम बढ़िया है। तो सब खा के रेस्ट करने चले गए, मैं ही बची थी। तो जल्दी से मैंने अपना खाना पीना कंप्लीट किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई लाओ धीरे धीरे सारे कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करूँगी तो ये फिर उतना ही फैला रहेगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जितने कपड़े थे उनको प्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा जब मुझे पता है कि वो सारे काम मुझे करने हैं। तो मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे कपड़े धीरे धीरे आयरन करना शुरू कर दिए और अलमेरा में सेट कर दिया। फिर उसके बाद ये मिल गई मुझे ऑस्कर। ऑस्कर को पता नहीं क्या दिक्कत है, इस तरह की बहुत सारे एक्शन रिएक्शन देती है। अगर इसको मैंने कैमरे में अगर कैप्चर करने की सोची ना कैमरे एकदम गुस्सा आ जाती है, एकदम कैमरे के सामने आने में भगती है भाई। ना कैमरा पर्सन होते कैमरे वाले होते हैं, ये बिल्कुल कैमरा वाली नहीं, एकदम गुस्सा आ जाती है, एकदम भागने लगती है कैमरा देख के कि भाई मेरे को नहीं रहना इस कैमरे में, मुझे दूर हटाओ जल्दी से। फिर उसके बाद जो है असर का वक्त हो चुका था, तो आप तो जानते हैं कि ठंडी के दिन में नमाज के वक्तों में बहुत कम टाइम रह जाता है। तो मेरा आयरन करते करते असर का टाइम हो चुका था, 4:30 बज चुके थे, तो जल्दी से मुझे असर की नमाज़ अदा करनी थी, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है भाई। जैसे ही टाइम हुआ आप उसी टाइम पर अपना काम कर लो तो वो बहुत ही ज़्यादा सही होता है। और उधर मैं प्रेस कर रही थी, उधर फैला हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ दूसरे रूम में जाकर जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा होता है नहीं है। असर का वक्त हो चुका है तो असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। उधर कमरे में मैंने फैला रखा प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि लाओ दूसरे रूम में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद। जैसा कि हर नमाज के बाद मैं तस्बीह और दुआएँ बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुआ के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ऐसा लगता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दुआ के बिना ज़िंदगी पूरी तरह से अधूरी है। क्या ही ज़िंदगी है ये, बहुत अजीब सी गुजर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, और घर में बैठ के दिन काटा नहीं जाता है, और घर से बाहर जाया नहीं जाता है। हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा दिन बस इधर उधर टीवी देख के, मूवीज़ देख के, खाना बना के, खाना खा के, सो के, बस ऐसे ही गुजर रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे वक्त की नमाज से पढ़ कर बस सही रास्ता दिख जाए, करना क्या है। चलते हैं चाय पीने। ओ बन रहा है बन, मेरी बहन बना रही है बन, आपको दिखाती हूँ एक मिनट। अभी हमारे पास पूरी प्रॉपर बेकिंग के लिए बर्तन नहीं है, तो हमारे पास ये बोल था, तो हम इसी में ट्राई कर रहे हैं। मैं क्या मतलब मेरी बहन उसे बड़ा ही शौकीन। और चाय हमारी बन चुकी है, अब इसको कप में उतार लेते हैं। पक रहे हैं, महक रहा है यहाँ पे। चाय पीने के बाद फिर हमें डेंटिस्ट पे जाना था, क्योंकि मेरी बहन के दांतों में कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो ये पापा ने मुझे पैसे दिए कि जाओ जाकर देख लो डॉक्टर के हैं कि क्या है इंतिखा। तो हम जल्दी से फेस स्क्रॉल करके तैयार हो गए, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है। और जब से ये ओवर फूड वाला काम शुरू हुआ है, जैसे जैसे हम वहाँ से निकल रहे हैं और हम जल्दी से जा रहे हैं। अब पता नहीं कैसे ये दांत वाले इश्यूज हो गए थे, मुझे भी एक बार हुआ था जिसमें अच्छे खासे मेरे पैसे लग गए थे। खैर दांत वगैरह के लिए काफ़ी देख रेख करते रहना चाहिए। ये हम आ चुके हैं डेंटिस्ट के, क्योंकि हमारे घर से सबसे नज़दीक एक ही डेंटिस्ट है, तो हम उनके यहाँ अक्सर आ जाते हैं। तो अभी वो है नहीं शायद, आई थिंक फिर आ गए, तो वो अभी कंसल्टेंसी चल रही है कि इनको क्या ही इश्यूज़ हैं। फिर हम दिखा दिखा कर आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब मुझे रात के खाने का देखना था, तो मैंने जल्दी से रोटी वगैरह बनानी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा जल्दी खाने का रूल है, क्योंकि जितनी जल्दी खाओगे उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा, मेरे घर वालों का ऐसा कहना है। तो इसलिए खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है मेरे यहाँ पे। आप बताना कि आपके घर में भी ऐसा है। मेरे घर में तो मुझे अक्सर डांट पड़ जाती है भाई लेट होने पर, तो इसलिए मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ बिना इधर उधर टाइम वेस्ट किए हुए। तो रोटी बनाना मेरे घर में पता नहीं क्यों लोग मुझे कहते कि आई एम प्रो, कि रोटी मुझसे बहुत अच्छी बनती है। और रोटी बनाना ही सबसे मुश्किल काम है, और जो मुझे सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर क्या करें करना पड़ेगा ही। और बाकी चीज़ें, बाकी सब्जी बन चुकी है पहले ही, तो बस रोटी बची थी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद आज बना था कीमा आलू, जो कि मुझे थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। और जल्दी से हम आज अपना डिनर कर लेंगे, रोटी बन चुकी है, सब बन चुका है, डिनर कर लेंगे। आज का दिन मेरे लिए इतना ही था। आई होप आपको भी पता चला होगा कि घर में रहना और घर के सारे काम करना इतना आसान नहीं जितना लोग कहते हैं कि भाई घर में रहो, करना ही क्या है, करना बहुत कुछ होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।